प्रार्थना माँ दुर्गा अष्ट भवानी से करते देखिए, मैं इस वक्त चूंकि आज मंगलवार है और पवित्र नवरात्रा है, और इस पवित्र नवरात्रा में विशेषकर मंगलवार के इस पवित्र दिन माँ दुर्गा अष्ट भवानी के इस पवित्र देवस्थान में भव्य पूजन होता है, और मैं यहाँ माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी जी का आशीर्वाद, उनकी पूजा के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माँ भव्य वाली महाकाली जी ने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के देशभक्तों पर, जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर माँ भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि इस बार भी देवीय शक्तियों की जीत होगी और भव्य जीत होगी, और माँ भगवती जी के आशीर्वाद से देवीय शक्तियों की जीत होगी, रविंद्र रैना की जीत होगी, यकीनन जीत होगी। माँ भगवती, महाकाली, माँ वैष्णो रानी, माँ दुर्गा अष्ट भवानी, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में, विश्व में देवीय शक्तियों की जीत होगी, सज्जन शक्तियों की जीत होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही प्रार्थना माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी के समकक्ष करते हैं। देखिए, चूंकि मैं माँ महाकाली जी के पवित्र देवस्थान पर हूँ, मैं माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, देवीय शक्तियों की, सज्जन शक्तियों की, राष्ट्र और धर्म की रक्षा में सर्वस्व अर्पण करने वाली शक्तियों की विजय हो। यकीनन जी, बिल्कुल जी राणा साहब, बताएं रविंद्र रैना जी, जो पांच मनोनीत सदस्य होने हैं उस पर काफी विवाद चल रहा है, उस पर बताइए। चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है, मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं, उनको शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की, हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। जहां तक बात है पांच मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जब वो बिल पेश किया गया था उस पर बहस हुई थी, और संवैधानिक तरीके से जो पांच नॉमिनेटेड एमएलए हैं उनका चयन होगा, उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाजाबता डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि पांच मनोनीत सदस्य होंगे, एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल में आपको बहुत कम सीटें नॉमिनेट करेगा, ये सही प्रक्रिया नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था, और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में पांच नॉमिनेटेड एमएलए हैं? वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को पांच नॉमिनेटेड एमएलए याद आ रहे हैं? तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी उसी पार्लियामेंट में थे। देखिए, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें अपने दम पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कश्मीर घाटी से और जम्मू संभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में 15 के करीब करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो जीतेंगे, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है चुनावों में। हमारे कुछ मित्र दल हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनको भी जम्मू कश्मीर में उनके विधायक भी चुने जाएंगे। और फिर मित्र दल कौन है आपके, मित्र दल कौन? बस चंद घंटों का इंतजार करिए, चंद घंटों के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इंजीनियर रशीद से गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, गिनती शुरू हो रही है। विकल्प खुला है, विकल्प खुला है, इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का। 50 पार की बात करते हैं।